अतिथि परम आदरणीय बचपन से कह रहा हूँ सब आ जाता है मुनि राजा साहब, प्रमोद प्रधान जी, रूप सिंह चौहान जी, हमारे साथी रामबाग तिवारी, राजेश शुक्ला, गौतम मोरे, गौतम जी और मोहित भाई हमारे चस्ताई मिल के, पाटिल जी हमारे आए हैं अभी वहाँ छिंदवाड़ा से और तमाम हमारे भादुर साथी है। आज हम अपनी कुछ प्रमोद भाई से कहा कि तुम बोलो, हम अपना कुछ डोमेस्टिक घरेलू बात करेंगे। हमारी जो डिमांड है, जो हमारी मांग की नेचर थी, वो मैंने पिछली बार परमादरणीय राजा साहब को दिया था। दिल्ली में मार्च किसान और मजदूर मिलकर चला रहे हैं और उनके समर्थन में हम लोगों ने आज यहाँ बैठक की थी, जहाँ भारतीय मजदूर संघ छोड़कर बाकी सारी ट्रेड यूनियंस ने संकल्प लिया है, समर्थन दिया है किसान और मजदूरों के पक्ष में। जिस तरह से किसान और मजदूरों का शोषण करने के लिए ऑर्डिनेंस के माध्यम से बिना चर्चा कराए संसद में उन्होंने, उनको प्रधान जी को बुला लो, उन्हें हम लोगों बिना चर्चा के लोकसभा विधानसभा में पारित कर दिया, इन सब बातों पर हम लोगों का विरोध है और उस पर पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और सभी हमारे सीपीआई, सीपीएम, जितने भी वो दल हैं जो कि भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आज संविधान दिवस भी है, भारतीय संविधान के कोई पक्ष में है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान को क्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, उनके प्रावधानों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को समाप्त किया जा रहा है, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स को मर्जर करा के लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, भर्ती बंद है, लोग बेरोजगार हैं, इन सब के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, दुर्गेश सिंह ने कहा कि लड़ाई सड़क से संसद तक होगी, वो सांसद हैं और हम लोग सड़क के लोग हैं, कि पूरी तरह जो हमारी पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, पब्लिक सेक्टर को सरकार बेच रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और तमाम चीज़ों को लेकर हमारी डिमांड्स में भी है कि कोविड में जो आदमी हैं जिनको इनकम टैक्स नहीं लगता, उन नहीं पे ही है, उनको 7,500 रुपये दिया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, शिक्षा का प्रबंध ठीक से किया जाए, दवाइयाँ दी जाए, इन सब चीज़ों की लड़ाई हमारी लड़ाई है। इसमें हमारी लड़ाई तो महाभारत पैटर्न पर 5 गाँव की है, 5 गाँव महाभारत की लड़ाई 5 गाँव के लिए हुई थी। कहा था भगवान कृष्ण ने कि 5 गाँव हमको दे दीजिए, तो 5 गाँव को पिपरानी, बड़खेरा, हबीबगंज, नरेला और जहांगीराबाद नहीं थे, वो 5 गाँव थे, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, इन 5ों गाँव की लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे हैं। इकोनॉमिक गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक आज़ादी तो मैं राजनीतिक आज़ादी लड़के आपको स्वतंत्रता दिला दिया है, लेकिन आर्थिक आज़ादी के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा के लिए आपको सब युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो ये लड़ाई की शुरुआत किया है यहाँ से दिग्विजय सिंह ने। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले दल तो कभी धन आंदोलन था, अब कांग्रेस को चेतना आई है, कांग्रेस पार्टी मजदूरों को की लड़ाइयों को लड़ेगी, पूरी तरह से कारपोरेट कल्चर को हम लोग ढाएंगे और मजदूरों का के लिए सर्वहारा की रोटी रोजी कपड़ा मकान दवा शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। आज नारी लगा रोटी कपड़ा दवा और मकान और शिक्षा का, इन सब बातों के लिए दिग्विजय सिंह आए थे। दिग्विजय सिंह उन्होंने 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ आंदोलन के दिन भी आए थे, कर्फ्यू तोड़ करके उस दिन आए थे, आज भी अनेक बाधाओं को तोड़ करके यहाँ पर आए पहुँचे, दिल्ली से आज ही आए और यहाँ पर आ गए हो, उनको भी हम आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह जो हमारे नेतृत्व करेंगे इस पूरी लड़ाई का, क्रांति के हराबल के रूप में, और पूरी लड़ाई अब शुरू हुई, एक बड़ी लड़ाई मीटिंग करेंगे लोग, फिर किसान और मजदूरों की मीटिंग करेंगे, तो इतना बात करके हम अपनी बात आपको बताएंगे कि किसान और मजदूरों की लड़ाई उसी तरह जिस तरह लव कुश की लड़ाई थी, उसने बड़े रथ को रोका था, हम इन बड़े बड़े सरकार के रथ को रोक दिए जाएंगे दो भाइयों।